हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इस वीडियो को ओपन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनिमल से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड जो भी हम लेके आए, उसका फ़ायदा आप समय पर उठा सकें। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने एक सवाल किया था हमको कि सर, जो बर्बरी नस्ल के अंदर, मोस्टली उन्होंने बर्बरी का ही जिक्र किया, तो हम बर्बरी को ही कवर करेंगे इसमें, कि जो उसको हम गाभिन कब करवाएं, क्योंकि वो हीट में तो 5 महीने की ही बकरी जो होती है मोस्टली बर्बरी नस्ल में आ जाती है हीट में, तो उसको हमको गाभिन कब करवाना है। दोस्तों, अगर हम बर्बरी नस्ल की जो बात करें तो उसको हम गाभिन करवाने का सही समय 10 महीने का माना गया। आप 10 महीने कम से कम रुकिए, अगर आपको नहीं रुका जाए कम से कम तो आप 10 महीने आपको रुकना है, और अगर सही की बात करें तो 10 महीने के बाद 11वें महीने में करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो जो सही समय होता है वो 10 महीने बर्बरी नस्ल में माना गया है। जो बर्बरी नस्ल की बकरी है वो 5 महीने में ही हीट में आ जाती है, पर उसको आपको गाभिन करवाना है 10 महीने के, पॉसिबल हो तो 10 महीने के बाद करवाइए, नहीं तो 10वें महीने में वो हीट में आती है तो उसको आप गाभिन करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो 10 महीने की गोट को आप बर्बरी को गाभिन करवाएंगे तो बच्चा अच्छा आएगा, उसका जो गर्भाशय होता है उसका अच्छे से विकास हो चुका होगा, ठीक है, उसको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन फ्यूचर किसी भी तरह की बच्चा देने में समस्या नहीं आएगी। अगर आप बाई चांस घर पर नहीं हैं और बकरी को आपको अकेला छोड़ के जाना पड़ गया, और बकरी आप अकेलेपन में बच्चा दे रही है आपकी ना मौजूदगी में, तब भी उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप बच्चा दे देगी, उसके अंदर इतनी स्ट्रांगनेस होगी। अब अगर आप कम उम्र की गोट को गाभिन करवा देते हैं तो उसको बच्चा देने में प्रॉब्लम आएगी, बच्चा फंस सकता है, बच्चा मर सकता है, बकरी भी मर सकती है, ठीक है। तो आप, मेरा जो मानना है उसको कम से कम आप 10 महीने रुकिए। अगर आपको अच्छी गुणवत्ता लेनी है, अच्छा आपको प्रोडक्शन लेना है गोट फार्म से, उस बकरी से, तो कम से कम भाइयों 10 महीने रुका करो, उसके बाद ही क्रॉसिंग करवाया करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका भाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है आपको एक बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ, और जो आपका फार्म है उसको आगे रन करवा सकूँ। मेरा यही आप लोगों के लिए, हमेशा मैं एक वीडियो ज़रूर डालता हूँ इस चैनल पे, क्यों डालता हूँ, क्योंकि जो हमारे भाई है उनको कुछ ना कुछ नया दिन पर दिन कुछ सीखने को मिलता रहे, और वो अपने फार्म को ग्रो करते रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।